पिछले एपिसोड में मिंगडी हॉल के अंदर अचानक से बहुत सारे ब्लास्ट होने लगे थे, जिसके वजह से कि युहाओ भी वहां पर फंस गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो भी इंजर्ड होकर वहीं पर बेहोश हो गया था। इसलिए टियानमेन को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो युहाओ को जल्दी से जगाने की कोशिश करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ भी खड़ा होने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ के कंडीशन के बारे में सोचकर काफी परेशान हो रहा था, क्योंकि मिंगडी हॉल के चारों तरफ बहुत ही हैवी गार्डिंग है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर इतना सारा बम कैसे आ गया? तभी इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं, जो कि कोई और नहीं बल्कि नौमेनन सेक्ट वाले थे। इसके बाद इनका लीडर कहने लगता है कि हमें इस मिशन में किसी भी तरह से कामयाब होना होगा, और फिर वो अपने लोगों से कहता है कि तुम इनके ऊपर अटैक करके इनको मार दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उसके सारे लोग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और वे यहाँ के स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने के लिए अपने बॉडी मार्शल सोल को एक्टिवेट करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ भी इनको पहचान गया था और वो भी कहने लगता है कि ये लोग तो असल में नौमेनन सेक्ट से हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी उनके सामने कुछ नहीं कर पा रहा था और वे सभी को बहुत ही आसानी से मारने लगते हैं। तब इसे देख युहाओ को भी इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और फिर वो कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही क्रेजी है। इसके बाद वो कहता है कि नौमेनन सेक्ट और मिंगडी हॉल मेन लाइन चाइना के दो मेजर फोर्स हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा नफरत है। लेकिन तभी वो कहने लगता है कि भले ही मैं सनमून एकेडमी से नहीं हूँ, मगर मैं इस तरह से लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानमिंग उसे केयरफुल हो जाने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ ऊपर से एक बहुत ही डरावनी स्मेल आ रही थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गया था, क्योंकि वो असल में कोई और नहीं बल्कि बूस हुई होता है और वो यहाँ पर अपने पॉइजन वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर पॉइजन की बरसात कराने लगता है, जिससे देख सभी लड़के अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि अब इनमें से कोई भी इस पॉइजन के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो पॉइजन जिसके भी बॉडी पर गिर रही थी वे सभी बहुत ही बुरे तरीके से मारे जा रहे थे। लेकिन तभी इस वक्त हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन भी यहाँ पर आ गया था और वो अपने स्टूडेंट को बचाते हुए कहता है कि यहाँ पर अटैक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई? तभी हम देखते हैं कि मास्टर माओ उसके लोग भी इनका सामना करने के लिए रेडी हो गए थे और इसलिए वो तुरंत ही अपने सोल कैनन का यूज करके इनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि नौमेनन सेक्ट वाले इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं होते और वे इनके अटैक से खुद को बचाते हुए इनके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन बूस हुई के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है कि तुमने मेरे मिंगडी हॉल के ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से इतने आसानी से नहीं जाने दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने बहुत सारे सोल कैनन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बूस हुई को इसके बारे में बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होती और वो भी कहने लगता है कि आज मैं भी तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। और हम देखते हैं कि वो इसके अटैक से बचते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन भी इससे कम नहीं होता और वो भी बड़े शानदार तरीके से बूस हुई के साथ में फाइट करने लगता है। तब इसे देख बूस हुई भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वहीं अब जिंग होंगचेन ने भी अपने बहुत सारे सोल कैनन को एक्टिवेट कर लिया था और अब इस तरह से वो इसका यूज करके बूस हुई के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि बूस हुई इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। वहीं उधर हम देखते हैं कि युहाओ को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो कहने लगता है कि ये दोनों तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते हैं कि बूस हुई ने जिंग होंगचेन के अटैक से खुद को बचा लिया था और अब वो तुरंत ही अपने पॉइजन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन भी बहुत ही आसानी से खुद को बचा लेता है और इसलिए बूस हुई अपने अटैक से उसका कुछ नहीं कर पाया होता। वहीं उधर युहाओ सोचने लगता है कि बूस हुई का आइडेंटिटी तो रिवील हो गया, लेकिन इसके बाद भी वो यहाँ पर अपनी हार क्यों नहीं मान रहा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि टियानमेन को सबसे ज्यादा युहाओ के बारे में चिंता होती है, इसलिए वो कहता है कि अगर तुम पॉइजन से इफेक्ट भी हो गए, लेकिन उसके बाद भी तुम अपने आइडेंटिटी के बारे में रिवील ना करना। इसके बाद वो कहने लगता है कि मिंगडी हॉल के ऊपर बूस हुई का अटैक छोटा है या बड़ा है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि नौमेनन सेक्ट और मिंगडी हॉल दोनों सबसे ज्यादा पावरफुल है और इसलिए इन दोनों का आपस में फाइट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी इससे भी हम देखते हैं कि नौमेनन सेक्ट वाला मास्टर मा के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, लेकिन मास्टर मा ने उसे बहुत ही आसानी से मार दिया था। इसके बाद वो यहाँ के सभी स्टूडेंट से कहता है कि तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करो और इनको मारने के लिए स्पाइरल सोल गाइड को एक्टिवेट करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गए थे और वे तुरंत ही इनके ऊपर अटैक करने के लिए स्पाइरल सोल गाइड को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन अब इसे देखते ही युहाओ पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यह तो असल में लेवल 8 वाला स्पाइरल सोल गाइड है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि नौमेनन सेक्ट वाले यहाँ पर बहुत ही बुरे तरीके से फंस गए थे और इसलिए मास्टर माइ इस बात का फायदा उठाकर चारों तरफ से अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंग होंगचेन अभी बूस हुई के साथ में फाइट कर रहा था, जहाँ पर कि वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने और भी सोल कैनन को एक्टिवेट कर लेता है। तब इससे देख युहाओ कहने लगता है कि अब नौमेनन सेक्ट यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा और इसीलिए अच्छा होगा कि सबसे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊँ। इसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ से नीचे की ओर जाने लगता है, जहाँ पर कुछ ही देर के बाद वो एक टनल के अंदर आ गया था जिसे कि नौमेनन सेक्ट वालों ने यहाँ पर आने के लिए बनाया था। तब इससे देख युहाओ भी समझ जाता है कि नौमेनन सेक्ट वालों ने यहाँ पर आने के लिए इसे बनाया है और फिर इसी तरह से इन्होंने मिंगडी हॉल के अंडरग्राउंड में ब्लास्ट किया होगा। लेकिन तब
तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पर अलग अलग साइज वाले बहुत सारे टनल हैं और इसीलिए युवाओं को समझ में नहीं आता कि उनको ऐसा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब इसके वजह से उसे डाउट हो जाता है कि सातवें किसी चीज के तलाश में है और इसीलिए हम देखते हैं कि उसने इसके बारे में पता लगाने का डिसाइड कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस जगह के बारे में चेक करने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिरकार नौमेनल सेक्ट वाले यहाँ पर आए क्यों हैं और वे असल में यहाँ से किस चीज को लेकर जाना चाहते हैं। तभी हम देखते हैं कि युवाओं ने यहाँ पर किसी गेट को खोज लिया था, लेकिन हम देखते हैं कि इस बात से वो पूरी तरह हैरान हो गया था और वो कहने लगता है कि यहाँ पर तो असल में एक सीक्रेट लाइब्रेटरी छुपी हुई है। अब इसके वजह से युवा समझ गया था कि यहाँ पर कोई ना कोई बड़ी चीज जरूर है और इसीलिए वो इसके बारे में पता लगाने के लिए अंदर भी आ गया था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि यहाँ की सारी चीजें एक्टिवेट होने लगती है और फिर युवाओं को अपने सामने एक बहुत ही बड़ा मेटल मैन दिखाई देता है। तब इसके वजह से हम देखते हैं कि युवा भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर इतना बड़ा मेटल मैन क्यों है। तभी से स्कैन करने पर पता चलता है कि इसके अंदर तो असल में एक सोफिस्टिकेटेड कोर एरे है, जिसे देख युवाओं कहने लगता है कि मैंने तो इस तरह के कोर एरे के बारे में कभी भी नहीं सुना और सन मून एकेडमी ने तो इतने एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर छुपा कर रखा है। अब इसीलिए युवाओं कहने लगता है कि भले ही मैं मिंगडी हॉल में स्टडी करने के लिए आ गया हूँ, लेकिन वे कभी भी मुझे इसका एक्सेस नहीं देंगे। तभी उससे भी सुन देखते हैं कि यहाँ पर उसे रेड कलर का कोई कवर दिखाई देता है, जिसे हटाते ही युवाओं पूरी तरह से हैरान हो गया था क्योंकि वहाँ मैप में स्टार लो सिटी और टियानू सिटी के ऊपर मार्क लगाया गया था और इसीलिए वो समझ जाता है कि वे दोनों सिटी मेटल मैन का टारगेट है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि युवाओं को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो समझ जाता है कि मेटल मैन को असल में वॉर के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर और भी ज्यादा परेशान हो गया था और वो कहने लगता है कि अगर इस फुल गाइड एक बार कंप्लीट हो गया तब उसके बाद यह तो पूरे कॉन्टिनेंट में तबाही ला देगा। अब इसीलिए हम देखते हैं कि युवाओं ने इसे डिस्ट्रॉय करने का डिसाइड कर लिया था और वो तुरंत ही इसके ऊपर अटैक करने की भी कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके अटैक से मेटल मैन को कुछ भी नहीं होता और वो समझ जाता है कि इस तरह से वो इस फुल गाइड को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगा। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे कोई चमकती हुई चीज नजर आती है, इसलिए युवाओं तुरंत इसे अपने हाथ में उठा लेता है और फिर उसे पता चलता है कि यह तो असल में स्टार सफायर है। फिर वो याद करने लगता है मिस्टर फार ने इसे बताया था कि इसके अंदर स्पेस की मिस्टीरियस पावर होती है और इसीलिए यह चीज स्टोरेज फुल गाइड को बनाने के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा भी इसका यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि वो मेटल मैन को इसके अंदर स्टोर कर सके, लेकिन हम देखते हैं कि इसमें उसकी बहुत ज्यादा स्पेशल पावर कंज्यूम हो जाती है और आखिरकार वो इसे इसमें स्टोर करने में कामयाब हो गया था। लेकिन अब युवाओं को समझ में आ गया था कि उसका यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए रुकना सही नहीं है और इसलिए हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने का डिसाइड कर लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि नौमेनल सेक्ट वाला कोई यहाँ पर आ जाता है, इसलिए युवा भी तुरंत वहीं पर छुप गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ सक्सेसफुल विश्व वाले एम्ब्रॉय को हासिल करना चाहता था और इसलिए वो तुरंत इसे बाहर भी निकाल लेता है। तब इसे देख युवाओं को लगता है कि शायद यही चीज नौमेनल सेक्ट की टारगेट है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बुशवे भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही वो आदमी तुरंत उसे ग्रीट करता है और फिर बुशवे उससे पूछता है कि क्या तुमने इसे पा लिया। तब इस पर उसका आदमी कहता है कि आपका प्लान तो बहुत ही अच्छे से काम किया और इसलिए हम इसे हासिल करने में आसानी से कामयाब हो गए, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यह तो असल में युवाओं है और इसीलिए वो इसे जल्दी से लेकर यहाँ से जाने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसके वजह से उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है क्योंकि सोलबिस्ट एम्ब्रॉय असल में लिविंग क्रिएचर्स हैं, जिसके वजह से उनको मूनलाइट नाइट में स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी युवाओं के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे देख युवाओं ने सोलबिस्ट एम्ब्रॉय वाले प्लेटफॉर्म को इसका सामना कर दिया था और अब इसीलिए इसके टूटने की वजह से इसमें से सोल बाहर आ जाती है। तभी हम देखते हैं कि बिंग इसकी आवाज को सुनकर हैरान हो जाती है, जिस पर युवा उससे पूछता है कि क्या तुम इस आवाज को पहचानती हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंग को इसके बारे में पता था, लेकिन वो युवा उससे कहती है कि तुम्हें जल्दी से उससे कैच करना होगा क्योंकि उसने अपने बॉडी को खो दिया है और इसलिए उसके सोल पे बहुत ही जल्दी यहाँ से गायब हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि युवा भी उसे पकड़ने के लिए लेबोरेटरी से बाहर आता है, लेकिन यहाँ पर इसे पता चलता है कि जिंग होंगचिन और बुशवे ने एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दिया है और युवा इसके आइस पावर को देख कहता है कि क्या ये आइस एम्प्रेस है। तभी बिंग कहने लगती है कि यह असल में स्नो गर्ल है जो कि टॉप 10 फेरोसियस में तीसरे नंबर पर आती है, लेकिन वो सोल बिस्ट में ट्रांसफॉर्मेशन के समय बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में थी, इसलिए उसने प्लेटफॉर्म के डिस्ट्रॉय होने के बाद सोल बिस्ट फॉर्म में आने के लिए कोशिश किया, लेकिन बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने की वजह से वो यहाँ पर ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। तभी वो कहने लगती है कि स्नो गर्ल ने मेरी जान बचाई थी और इसलिए मैं भी आज उसे जरूर बचाऊंगी। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंग होंगचिन और बुशवे एक साथ में मिलकर स्नो गर्ल के ऊपर अटैक कर रहे थे, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि स्नो गर्ल इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इनका अटैक को रोकने लगती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इनके ऊपर काफी गुस्सा हो गई थी और वो कहने लगती है कि हमें हंट करने के लिए इंसानों को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके आइस पावर को देख सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, लेकिन वही जिंग होंगचिन अब समझ जाता है कि स्नो गर्ल अपने आप को ब्लास्ट करने वाली है और इसलिए अगर ऐसा हुआ तो कोई भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि इसके आइस पावर की वजह से सभी इंजर्ड हो गए थे, जहाँ पर जिंग होंगचिन कहता है कि मेरा 1 लाख साल वाला सोलबिस्ट एम्ब्रॉय डिस्ट्रॉय हो गया।
गया और अब इसलिए तुम्हें इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बुसुई अपने लोगों को लेकर यहाँ से भागने लगता है, मगर हम देखते हैं कि जिंग होंग चेन इनको इतना आसानी से छोड़ने वाला नहीं था और इसलिए वो अपने लोगों से इनका पीछा करने के लिए कहता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वे इनका पीछा करने के लिए चले गए थे। लेकिन वहीं उधर हम देखते हैं कि युहाओ भी इंजर्ड होने की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया था, जबकि वहीं उधर विंग स्नोकल के सोल को अपने पास में लेकर आ गई होती है और वो उससे पूछती है कि तुम कैसी हो, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नोकल भी अपने फॉर्म में इसके सामने आ जाती है और वो विंग को देख कहती है कि क्या सच में तुम हो। तब इस पर विंग उससे पूछती है कि तुमने तो अभी अपने आप को ब्लास्ट कर लिया और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने सोल पावर को रिस्टोर कर सकती हो। लेकिन इस पर स्नोकल कहती है कि यह इम्पॉसिबल है क्योंकि मेरी बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है और इसके अलावा मेरी सोल भी पूरी तरह से अनस्टेबल है, जिसके वजह से वो किसी भी टाइम क्रैश हो सकती है। तब इसके बारे में जानकर विंग टियानमेंग से पूछती है कि क्या तुम इसे भी मार्शल सोल में बदल सकते हो, जैसे कि तुमने मुझे युहाओ के बॉडी में इंटीग्रेट किया था। लेकिन हम देखते हैं कि टियानमेंग भी अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। तब स्नोकल इनसे पूछते हैं कि क्या तुम किसी इंसान के बॉडी में हो। तब इस पर टियानमेंग उससे कहता है कि हाँ तुमने सही समझा और मैंने तबाही से डील करने के लिए सोल भी इसके लिए यही तरीका खोजा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर स्नोकल बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और वो कहने लगती है कि अगर मुझे पहले से इसके बारे में पता होता तो मैंने कभी भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का रिस्क नहीं लिया होता। इसके बाद वो कहने लगती है कि अब मेरी सोल ज्यादा टाइम के लिए नहीं टिक पाएगी, इसलिए मुझे तुरंत ही अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो अगर मेरा सोल यहाँ पर कोलैप्स हो गया तब इसके वजह से 7,00,000 साल के कल्टीवेशन की ओरिजिनल पावर बाहर आएगी और अगर ऐसा हुआ तो तुम सभी इसमें मारे जाओगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी यहाँ पर आ गया था और वो स्नोकल से कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। तब इससे देख स्नोकल कहती है कि तुम तो गॉड के कॉन्शियसनेस के केवल एक रे हो। लेकिन इस पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि मैं केवल एक इंसान हूँ जो कि अब बिल्कुल भी गॉड नहीं बनना चाहता। इसके बाद वो स्नोकल से कहता है मुझे ऐसा फील होता है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस पूरी तरह से प्योर है, इसलिए तुम्हारा जन्म हेवन एंड अर्थ के ऑरा से हुआ होगा, जिसके वजह से तुम्हारे जैसा सोल भी इसको ऐसा ही खत्म नहीं होना चाहिए। तब इस बात से हम देखते हैं कि स्नोकल भी काफी खुश हो गए थे और फिर वो पूछते हैं कि सीनियर क्या आपके पास में मुझे बचाने के लिए कोई तरीका है। तब इस पर इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि अगर मैं अपने गॉड वाले रूप में भी होता तब उसके बाद तुम्हें बचाने का मेरे पास में 80% चांस होता, जबकि इस समय तो मैं केवल कॉन्शियसनेस का एक रे हूँ और इसलिए इसमें सक्सेस होने का चांस 30% से भी कम है। और अब इतनी बात कहने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम इसे ट्राई करना चाहोगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंग और टियानमेंग भी स्नोकल से यहाँ पर रुकने के लिए कहने लगते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ भी स्नोकल से ऐसा करने के लिए कहने लगता है और कहता है कि मैं इस स्पेशल सी का ओनर हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी टियानमेंग और बिंग के जैसे यहाँ पर बहुत ही आसानी से रह पाओगी। इसके साथ वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर आने के लिए रेडी हो तो फिर मैं तुम्हें भी अपने रिलेटिव और फ्रेंड के जैसे ट्रीट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार स्नोकल इनकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। तब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था ताकि इस तरह से वो स्नोकल के सोल को यहाँ पर स्टोर कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि यह प्रोसेस इतनी भी आसान नहीं होती और तभी अचानक से स्नोकल की सोल यहाँ से गायब होने लगती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंग और टियानमेंग भी इस बात से काफी परेशान हो गए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स स्नोकल के सोल को सील करने में कामयाब हो गया था, जिससे देखते ही टियानमेंग और बिंग भी इस बात से काफी खुश हो जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स स्नोकल से कहता है कि मैंने तुम्हारे ओरिजिनल पावर को फिर से सील कर दिया, लेकिन तुम्हारी ओरिजिनल पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए सील को ज्यादा टाइम के लिए सिक्योर रखना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्नोकल भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी और इलेक्ट्रोलक्स से सिमुलेट करने के लिए मना करके यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि बिंग और टियानमेंग भी इस बात से काफी खुश हो गए थे और वे इलेक्ट्रोलक्स को इसके लिए थैंक यू कहते हैं। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।